मैंने अपने बचपन में एक फिल्म वक्त देखी थी, लेकिन इस 3 घंटे की फिल्म में मुझे एक धुआंधार वकील का केवल एक सीन ही याद रह गया। बाद में बड़ा होने पर केवल इस एक सीन के कारण जब पूरी फिल्म देखी तो एहसास हुआ कि अभिनेता मोतीलाल अपने इस बहुत छोटे से रोल के बावजूद भी प्रभाव छोड़ते हैं। फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल का अभिनय अवार्ड विजेता महानायक राज कपूर पर भारी पड़ा था। मोतीलाल का जन्म 4 दिसंबर 1910 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। मोतीलाल की पहचान उनके फ्लैट ब्लैक हैट से थी, जो बिना मुड़े तुड़े उनके सर पर विराजमान रहता था। बड़े बड़े फ्लावर प्रिंट वाले शार्क स्किन के शर्ट पैंट, चमकते जूते, मस्त चाल अंदाज, हाव भाव के नफासत और बातचीत का राजस्वी लहजा, कुल मिलाकर एक जिंदा दिल आदमी की छवि पेश करते थे मोतीलाल राजवंश। हिंदी सिनेमा में कुछ अभिनेता कम ही हुए हैं जिन्होंने मौलिक अभिनय के सहारे कामयाबी हासिल की। इस श्रृंखला में मोतीलाल प्रमुख हैं, जिन्हें आप हिंदी सिनेमा का वास्तविक अभिनेता कह सकते हैं। उनके खाते में अनेक अच्छी फिल्में दर्ज हैं। युवावस्था में नौसेना ज्वाइन करने के इरादे से मुंबई पहुंचे तो, लेकिन ठीक परीक्षा के दिन बीमार हो गए और प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाए। इस बात का उन्हें दुख तो था, वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, मोतीलाल के साथ भी वही हुआ। लेकिन एक दिन शानदार कपड़े पहनकर शूटिंग देखने के इरादे से सागर स्टूडियोज जा पहुंचे। वहां डायरेक्टर काली प्रसाद घोष किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। घोष बाबू युवा मोतीलाल को देखकर दंग रह गए, क्योंकि अपनी फिल्म के लिए उन्हें एक ऐसे ही हीरो की तलाश थी। घोष बाबू ने अपनी फिल्म शहर का जादू के हीरो के रूप में उन्हें चुन लिया। तब फिल्मों में पार्श्व गायन का आम प्रचलन नहीं था और ज्यादातर फिल्मों में कलाकार खुद ही गाते थे, इसलिए मोतीलाल ने कुछ फिल्मों में गाने खुद गाए। मोतीलाल संगीत के ज्ञाता भी थे। मोतीलाल जी के दोस्त अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें बांसुरी, वायलिन, हारमोनियम और तबला बजाना आता है, इसलिए उनके विशेष आग्रह पर उनके घर के अपार्टमेंट की छत पर संगीत की महफिलें देर रात तक जमती थी। मोतीलाल को बचपन से शिकार का शौक था। वे कई बार घोड़े के साथ ही दुर्घटना के शिकार हुए। रेस खेलने के शौक के चलते मोतीलाल ने बहुत रुपया हारा। उनके बुरे दिनों का ये भी एक कारण था कि वे 10 साल की उम्र में दोनाली चलाना सीख गए थे। उन्हें पेंटिंग का शौक था और वे क्रिकेट भी शानदार खेलते थे। स्टार 11 में उन्हें हमेशा शामिल किया जाता था। एक बार वो विजय मर्चेंट की गेंद पर घायल हो गए और उनकी आंख पे लगी, जिसके कारण कई दिनों तक हॉस्पिटल रहना पड़ा। दूसरी तरफ विजय मर्चेंट ने प्रायश्चित स्वरूप वर्षों तक मोतीलाल की हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का व्रत लिया और इसे निभाया चार्ली चैपलिन की फिल्म द किड से प्रेरित H.S. रवेल की फिल्म मस्ताना से। इस फिल्म में मोतीलाल ने एक फक्कड़ की भूमिका को जीवंत किया। मोतीलाल ने अपनी सौम्य कॉमेडी, मैनरिज्म और स्वाभाविक संवाद अदायगी से तमाम समकालीन नायकों को पीछे छोड़ दिया। बॉम्बे टॉकीज ने जब गांधी जी की प्रेरणा से अछूत कन्या बनाई थी तो रणजीत स्टूडियो ने भी उनके जवाब में अछूत नामक फिल्म बनाई, जिसमें मोतीलाल के साथ गोहर हीरोइन थी। इस फिल्म का हीरो बचपन की अछूत सकी का हाथ पकड़कर समाज से लड़ते हुए अछूतों के लिए मंदिर के दरवाजे खुलवाता है। फिल्म को महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने बहुत पसंद किया था और कहा था कि इस तरह की फिल्में मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने के लिए पथ प्रदर्शक का सच्चा कार्य करती हैं। ये फिल्म आज भी शोध के लिए राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे के पास सुरक्षित है। मोतीलाल ने 80 से अधिक फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जिनमें राज कपूर अभिनीत अनाड़ी और दिलीप कुमार की पैगाम तथा लीडर भी शामिल हैं। 1950 के बाद मोतीलाल ने चरित्र नायक का रूप धारण करके अपने अद्भुत अभिनय की और भी मिसालें पेश की। बिमल रॉय की फिल्म देवदास में उन्होंने नायक दिलीप कुमार के शराबी दोस्त चुन्नी बाबू की भूमिका में जान डाल दी थी। अगर आप हिंदी सिनेमा के प्रेमी हैं तो याद कीजिए वो सीन जब नशे में टुन चुन्नी बाबू अपने घर लौटते हैं और अपनी छड़ी को दीवार पर पड़ रही खूंटी की परछाई पर टांगने की कोशिश करते हैं। ये अत्यंत मार्मिक दृश्य था।
फिल्म फेयर ने उन्हें वर्ष के सर्वोत्तम सह अभिनेता का पुरस्कार घोषित किया था, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका मानना था कि उनका अभिनय इससे कहीं ज्यादा उम्दा था। बिमल रॉय की फिल्म परख की चरित्र भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। राज कपूर की फिल्म जागते रहो में उन्होंने शराबी के रोल को 4 चांद लगा दिए थे। फिल्म लड़की में लारा लप्पा गर्ल, मीना शौरी और मोतीलाल की चुलबुली जोड़ी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। ये जोड़ी 1, 2, 3 में भी दोहराई गई और उतना ही कामयाब रही। मोतीलाल के अभिनय के अनेक पहलू थे। कॉमेडी रोल में अगर उन्होंने दर्शकों को गुदगुदाया तो फिल्म दोस्त और गजरे में गंभीर अभिनय करके उन्हें विभोर कर दिया। उनके करियर की सबसे उत्तम फिल्म मिस्टर संपत्ति थी। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठा क्या और भला सच है क्या, उन पर फिल्माया ये गाना वाकई उनकी जिंदगी का फलसफा बन गया। आखिर उस समय के ज्यादातर हीरो की तरह मोतीलाल का अंतिम समय भी दुखदायी रहा। उन्होंने राजवंश प्रोडक्शन की स्थापना कर महत्वाकांक्षी फिल्म छोटी छोटी बातें शुरू की। वे स्वयं इस फिल्म के लेखक, नायक, निर्माता, निर्देशक सब कुछ थे। अब इसे भाग्य की विडंबना कहें कि फिल्म को राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जरूर मिला, मगर गर्व का ये पल देखने के लिए मोतीलाल इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। फिल्म बनाते बनाते वे न सिर्फ दिवालिया हुए बल्कि परेशानियों से जूझते जीवन से भी अलविदा कह गए, ठीक उसी तरह जैसे गीतकार शोलेंद्र के लिए तीसरी कसम का निर्माण उनका काल साबित हुआ, वैसा ही हाल मोतीलाल का हुआ। 17 जून 1965 को बीच कैंडी अस्पताल में वो इस दुनिया को छोड़ गए। उनकी अधूरी फिल्म को पूरा करने का जिम्मा गायक मुकेश ने उठाया, जो उनसे बेहद प्यार करते थे। फिल्म पहली नज़र में मोतीलाल के लिए गायक मुकेश ने पहली बार पार्श्व गायन का काम किया था। गायक मुकेश उनके चचेरे भाई थे। नीली आंखें वाले अभिनेता चंद्रमोहन मोतीलाल के अतरंग मित्र थे। मोतीलाल ने अपने समय के सभी प्रसिद्ध कलाकारों के साथ काम किया, जिनमें दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस, मधुबाला, नूरजहां, मीना कुमारी और वनमाला नाम के उल्लेखनीय हैं। मोतीलाल पूरे रईसी अंदाज में दोस्तों के लिए शराब पार्टियां का भव्य आयोजन करते थे और घुड़दौड़ में भी उनके घोड़े भी दौड़ते थे। ये दोनों शौक उनके लिए घातक सिद्ध हुए। मालाबर हिल्स पर उनका आलीशान बंगला था। हमेशा अपने मित्रों के लिए शराब, संगीत की महंगी आलीशान पार्टियां करने वाले मोतीलाल की किस्मत कहें या इस रूपैले पर्दे की दुनिया का काला सच कि उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ हमेशा रहने वाले इस फिल्मी दुनिया का कोई मशहूर सितारा नहीं था। उनके जीवन के आखिरी वर्षों की दोस्त रहीं अभिनेत्री नादिरा ने उनकी चिता को मुख अग्नि दी थी। मोतीलाल राजवंश ने हिंदी सिनेमा की मेलो ड्रामाई डायलॉग डिलीवरी और अभिनय की चीर परिचित लीक को छोड़कर स्वच्छंद अभिनय की एक और नई शैली को से दर्शकों को रूबरू कराया। अभिनय के लिए अपने किरदार पर मेहनत करते उन्हें कभी नहीं देखा गया, जो उन्हें अपने समकालीन अभिनेताओं से अलग पहचान देता है। हिंदी सिनेमा जब तक रहेगा उनके मौलिक और वास्तविक अभिनय का हमेशा कर्जदार रहेगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। अब बॉलीवुड न्यूज हो या इंटरेस्टिंग गॉसिप्स, इंडियन फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबाइए और रहिए हमेशा फिल्मी अपडेटेड।